हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पैराडाइज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी विंटर गार्डन की तैयारी? मेरी तो शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही है। आज मैंने सोचा था कि कुछ काम कर लूँगी अपनी बैल्कनी में, कुछ पॉट्स बना के रेडी रख लूँगी, लेकिन फिर मेरी फ्रेंड आ गई, उसे भी गार्डनिंग का बहुत शौक है, तो वो कुछ एडवाइस लेने आई थी पॉट्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में। फिर बातों बातों में ये टॉपिक निकला कि सैंड चाहिए, और सैंड जो है लकीली हमारे सोसाइटी के सामने कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो उनका काम ख़त्म हो गया, तो बहुत सारी सैंड जो है वहाँ बची भी पड़ी थी। तो बस हमने सोचा कि चलो जाके थोड़ी सैंड ले आते हैं वहाँ से, तो सैंड बोरी में भर ली। उसके बाद जो है फिर हमने सोचा चलो अपनी सोसाइटी में से जो भी कुछ प्लांट्स हैं अच्छे दिख रहे हैं उसकी कटिंग्स लेके लगा लेते हैं। अभी मौसम भी अच्छा है, बारिश भी हो रही है अभी थोड़ी बहुत, तो चल गई, तो कटिंग्स चल गई तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन बहुत सारे फ्री में प्लांट्स मिल गए और अगर ये सक्सेसफुल हो गए तो बहुत अच्छा है। तो बस आपके साथ यही शेयर करना था। उससे पहले मैं आपको ये वाला प्लांट दिखाऊं। फ्रेंड्स, ये प्लांट देखिए, इसके लीव्स देखिए कितने अच्छे हैं, डार्क एकदम बैंगनी कलर की, बैंगनी भी नहीं है, मरून भी नहीं है, कुछ अलग ही है, ब्लैकिश टाइप के लीव्स हैं। और इसके ये फ्लावर्स देखिए कितने प्यारे हैं, डार्क पिंक कलर के, और इसके पेटल्स देखिए कितने डिफरेंट हैं और कितने डेलिकेट हैं। मुझे इस प्लांट का नाम नहीं मालूम, और ये है मेरे पास बहुत टाइम से, लेकिन अगर किसी को इसका नाम पता हो तो मुझे बताए ताकि मैं इसके ऊपर थोड़ी और सर्च कर सकूँ। तो ये तो हो गया मेरा प्लांट, और चलिए मैं आपको बताऊँ मैं गार्डन से आज क्या लेके आई अपनी फ्रेंड के साथ। ये देखिए, आज मैं और एक कटिंग लेके आ गई सॉन्ग ऑफ इंडिया की, और ये मुझे अच्छी लगी कटिंग क्योंकि दोनों तरफ से ग्रोथ हो रही है। तो अब मैं इसे लगा के देखूंगी। ये तो सब मेरे पॉट्स की है, आज मेरे पॉट साफ कर रही थी, मैंने सब जो भी है मेरे बालसम के प्लांट्स निकाल दिए क्योंकि उसमें जो है पाउडरी मिल्ड्री और फंगस ऐसा कुछ बहुत ज्यादा हो रहा था, तो मैंने वो प्लांट्स निकाल दिए। उसी पॉट में ये भी हो रहा था, तो अब मैं लगा दूंगी इसे वापस दूसरे किसी पॉट में। फिर और क्या लाई मैं नीचे से, एक ये लेके आई मैं, देखिए इसमें तो रूट्स मिल गई, ये शायद आई डोंट नो, मुझे लग रहा है कि बोट लिली है क्योंकि इसकी लीव्स थोड़ी बड़ी हैं रियो प्लांट की लीव्स से, क्योंकि रियो तो मेरे पास ऑलरेडी है। अब देखते हैं ये रियो है कि बोट लिली है, क्योंकि रियो में तो फ्लावरिंग नहीं होती है, बोट लिली में फ्लावर होता है। तो लेट्स सी, एक ये हो गया, तो दो प्लांट्स ये हो गए। फिर ये ग्रास, ये मुझे ऑर्नामेंटल ग्रास बहुत पसंद है, तो मैं सोच रही हूँ एक पॉट में ये लगाऊं, इसमें फ्लावर्स भी निकलते हैं आपको पता होगा, और ये बहुत आसानी से लग जाता है, तो ये तो जड़ के साथ ही मुझे मिल गई नीचे से, तो ये लाई मैं। और एक ये ड्रेसीना की वैरायटी है, छोटे छोटे पप्स हैं, इसमें रूट नहीं निकली, बहुत ही अंदर दबा हुआ था ये प्लांट मिट्टी में, तो इसे बहुत मुश्किल से निकालने ही नहीं हो रहा था इनफैक्ट, हालांकि टूल्स हम लेके गए थे ये सोच के कि अगर कोई प्लांट अच्छा हो तो ले आएंगे, लेकिन रूट्स के साथ कोई भी नहीं निकला ये। और ये एक बड़ा है ड्रेसीना, इसका नाम, इसका भी नाम मुझे नहीं पता इस वैरायटी का, लेकिन अब ये कटिंग्स लगा के देखेंगे, होप करते हैं कि चल जाएं ये कटिंग्स। बहुत अच्छा प्यारा सा है ये ड्रेसीना, बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए कितने प्यारे कलर्स हैं ग्रीन और वाइट वेरिएगेशन में। तो बस यही दिखाना था फ्रेंड्स कि आप भी इसी तरह इधर उधर देखते रहा करिए, कहीं भी आपको फ्री ऐसे प्लांट्स मिल जाएं आपकी सोसाइटी में या किसी और की सोसाइटी में या कहीं भी किसी भी गार्डन में, आप ऐसे निकाल के ले आ सकते हैं, ऐसा कोई हार्म नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई ऑब्जेक्ट करेगा। हाँ, कोई गार्डन है मॉनिटर्ड है कोई, तो आप ज़रूर परमिशन लेके ले लें, आई डोंट थिंक सो वो आपको मना करेंगे, क्योंकि आजकल तो लोग बहुत ग्रीन कॉन्शियस हो गए हैं, हर कोई अपने एनवायरमेंट के लिए कुछ ना कुछ करना चाह रहा है, और ग्रीनरी बढ़ाने के लिए क्यों कोई ऑब्जेक्ट करेगा भला। तो ये देखिए, और ये सैंड जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है वो लेके आई हूँ मैं थोड़ी सी एक बैग में भर के, ताकि हमारा जो पॉटिंग मिक्सचर है वो वेल ड्रेन्ड हो। तो बस यही आज आपको दिखाना था फ्रेंड्स, ये छोटी सी हमारी आउटिंग प्लांट्स के लिए, फ्री के प्लांट्स कलेक्ट करने के लिए और सैंड कलेक्ट करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो ज़रूर इसके बारे में कोई ना कोई कमेंट ज़रूर लिखिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स प्लीज़। ओके फ्रेंड्स, बाय।